अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को चिकन पिज़्ज़ा पेटीज बनाना बताएंगे, जो फिर से रमज़ान स्पेशल है, बहुत टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम 1 किलो पोटैटो ले लेंगे, आलू, उसे हम ज़रा सा नमक डाल के बॉईल कर लेंगे और मैश कर लेंगे पील करके, उसकी स्किन निकाल के। उसके बाद हम उसे एक पतीली में निकाल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, ब्रेड का जो चूरा होता है वो 4 टेबलस्पून जितना। उसके बाद हम डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, आपके ऊपर है आपको कितनी हरी मिर्च डालनी है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जितना ओरिगैनो और 1 टेबलस्पून जितना चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स जो मिलता है, ओरिगैनो भी आपको पता है मिलता है, वो हम डाल देंगे उसमें। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि बाकी की आगे की चीज़ों में भी नमक जाने वाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसे साइड कर देंगे और हम आगे का प्रोसेस करेंगे, उसकी स्टफिंग बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। हमने इसे अलग कर दिया। अब हम लेंगे दूसरा बोल, बोल में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून जितना पिज़्ज़ा सॉस। आपको ये रेडीमेड कहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई भी शॉप में मिल जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। फिर से हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना ओरिगैनो, 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स, उसमें 1 टेबलस्पून गया था, इसमें 1 टीस्पून जाएगा। आपके ऊपर है आपको कितना ऐड करना है, आप क्वांटिटी एक्सटेंड कर सकते हो। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन, श्रेडेड चिकन। हमने चिकन में 1 से 2 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। अच्छे से पानी सूखने तक हमने उसे पका लिया चिकन को और हमने उसे श्रेड कर लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कैप्सिकम, कलरफुल मीन्स शिमला मिर्च, छोटे छोटे बारीक चॉप करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमें लगभग 1 ही कैप्सिकम लेनी है। हम डाल देंगे 2 कटी हुई प्याज, उसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छे से हम थोड़ा बहुत उसे मिला लेंगे। उसके बाद हम उसमें आगे की चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। हम उसमें ऐड करेंगे अब क्रीम चीज़, 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो आप चीज़ स्प्रेड भी ऐड कर सकते हो, 2 से 3 टेबलस्पून। देखिए सारी चीज़ें मिल गई, हमने एक उसे अच्छे से मैनेज कर लिया, सेट कर लिया, लगा दिया। अब बारी आई है उसे स्टफ़ करने की। हम हाथ पे पाम पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा हम जो पोटैटो का, मैश पोटैटो का हमने जो बनाया था वो हम लेंगे, हाथ पे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, उसके अंदर चिकन का स्टफ डालेंगे, ऊपर से ग्रेटेड चीज़, हमने चीज़ को ऑलरेडी खुरच के रख दिया था, हम चीज़ ग्रेटेड चीज़ डालेंगे, या तो आप चीज़ क्यूब भी छोटे छोटे कट करके डाल सकते हो। अच्छे से हम उसे पूरा कवर कर लेंगे सारे साइड से, और अच्छे से हमें पूरा उसे बंद कर देना है। अगर आपको लगे कि आपका पोटैटो थोड़ा कम पड़ रहा है बंद करने, तो आप थोड़ा सा ऐड करके उस पर लगा सकते हो और अच्छे से उसे कवर कर सकते हो। ब्रेड क्रम्स में हम डिप कर लेंगे अच्छे से, हल्के हाथ से हमें सारी चीज़ें करनी है, और हमें उसे साइड कर देना है थोड़ा सा फ्लैट करके। एक रेडी हो गया, सेकंड भी हम आपको जल्दी जल्दी क्विक इंस्टेंट बता देते हैं कैसे हम सेकंड वाला बनाएंगे। ये देखिए दोनों बनके रेडी, बाकी भी आप ऐसे ही बनाइए। हमने एक पैन में तेल गरम कर लिया, शैरो फ्राई जितना हमें तेल लेना है, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा ज़्यादा डीप फ्राई जितना ऑयल नहीं लेना है। फिर से हमने उसे ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा डिप किया, वो ऑप्शनल है, और गरम तेल में हमें छोड़ देना है। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, लो फ्लेम नहीं करना है, वरना वो सारे टूट जाएंगे। हमें सारे अच्छे से फ्लिप करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और उसके बाद हमें उसे निकाल लेना है। आप देख सकते हो एक साइड फ्राई हो रहा है, अब सेकेंड साइड भी हमें टर्न करके उसे गोल्डन फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन जितना। और उसके बाद जैसे फ्राई हो जाएगा, आप सॉस के साथ उसे सर्व कर लीजिए, और या आप उसे चीज़ में डिप करके, मेयोनीज़ में डिप करके खा सकते हो। बहुत टेस्टी बनते हैं, रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान को, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, और आप एक प्लेट में निकाल लें और उसे गरम गरम सर्व करें, फैमिली को खिलाएं, बहुत टेस्टी बनेगा। ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन पे क्लिक करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।